हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जान लिया था और उसको हमने कंपेयर भी करा था कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे है, राइट। जब हम लोग बात करते हैं श्रेया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? सबसे बेसिक कि ऐसा ऐसा क्या नहीं हुआ था सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भर भर के देखने को मिलता है? मासेस की साइड से लॉ का उल्लंघन, लॉ को तोड़ना, मतलब बेसिकली। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने बेसिकली मासेस से ये बोला था कि आप जो है अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट मत करो, कोऑपरेशन अपना मत दिखाओ, राइट। एक पॉइंट मुझे और बताओ, मुसलमानों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कौन सी मूवमेंट के अंदर देखने को मिला हमें नॉन कोऑपरेशन? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से थे इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें एक और बात, इसमें जो जो ट्रेड यूनियंस या जो वर्कर्स थे वो भी अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पाए पीजेंट्स वगैरह, राइट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर भर भर कर थे, भारी भर का मात्रा के अंदर थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आके बात करते हैं कराची कांग्रेस सेशन 1931 की। जब रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी कराची कांग्रेस सेशन को अटेंड करने के लिए उतरे थे, तब क्या हुआ था? मैंने कल आपको मूवी में दिखाया था वो सीन द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से, ब्लैक फ्लैग से उनका जो है स्वागत हुआ था। स्पेशली वो यूथ चिड़े हुए थे गांधी जी से, किस बात को लेकर कि आप चाहते तो किसको बचा सकते थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, लेकिन आपने वाइसरॉय कौन था जिस किसके साथ मिलने गए थे गांधी जी? लॉर्ड अर्विन। आपने लॉर्ड अर्विन के साथ पैक्ट जो है वो साइन करके आपने ज़्यादा इस डिमांड को पुश करा नहीं कि भगत सिंह को फांसी से बचा लिया जाए और भगत सिंह को इसके चलते फांसी हो गई, ठीक है। तो हम बात करते हैं कराची कांग्रेस सेशन की 1931 की। मार्च 1931 की बात है, एक स्पेशल कांग्रेस का सेशन होता है कराची में। आज के टाइम पे श्रेया गौरव, कराची कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, वैसे श्रेया आपको पाकिस्तान की कैपिटल पता है? इस्लामाबाद है, ठीक है। कई लोग कराची सोचते हैं, कराची नहीं है, इस्लामाबाद है। ओके, टू एंडोर्स द गांधी अर्विन पैक्ट। यहां पर इस लेक्चर में श्रेया मैं एक बात और क्लियर कर दूंगा, हालांकि हमारा वो कंटेंट ही है। आपको अभी तक ये पता नहीं लग पाया होगा ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली प्रॉपर, पहली मैं किसको मानूं अगर मानूं तो, दूसरी किसको मानूं और तीसरी किसको मानूं, है ना। अभी मैं तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अलग अलग से अलग अलग करके पढ़ा दूंगा, ईयर वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, सारा सब कुछ करके, ठीक है। तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस रेजोल्यूशंस एट कराची। व्हाइल डिस अप्रूविंग ऑफ एंड डिस एसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल वायलेंस, ये तो कांग्रेस का मेन मुद्दा होता ही हमेशा है ना कि हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जो है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज ने जो ब्रेवरी दिखाई, जो अपना बलिदान दिया, मतलब इनको एक तरीके से मार्टियर्स कौन होते हैं? शहीद, ठीक है। ये लोग जो देश के लिए शहीद हो गए, इसको रिकॉग्नाइज करा कांग्रेस ने, इसको एडमायर करा, इसकी प्रशंसा करी। याद है जब कराची सेशन के लिए गांधी जी उतरते हैं, उसमें एक सीन भी दिखाया हुआ है, कल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड गांधी जी ने भी यही बोला था, जो कि लीडर्स उनका ब्लैक रोज से, ब्लैक फ्लावर से जो स्वागत कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर, कि मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की, उनके जो है ये मार्टिरडम की एक वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ उनको मैं, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी फांसी को रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उनको सामने से रिप्लाई आता है कि इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करता रहेगा, राइट, कि आप चाहते तो उनको बचा सकते थे लेकिन आपने पूरी तरीके से ये प्रयास नहीं करा। उसके बाद
दिल्ली पैट या फिर गांधी अर्बन पैट जो था इसको एंडोर्स करा गया, इसको सपोर्ट मिला इस कराची सेशन में कांग्रेस के। कब हो रहा है ये सेशन, ईयर याद रखना 1931, ओके, मार्च 1931 में। जो गोल था पूर्ण स्वराज का ये दोबारा रीआइटरेट करा गया, ये दोबारा कांग्रेस के सेशन में या कांग्रेस के जो रेजोल्यूशन था उसमें अडॉप्ट करा गया। और ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस स्पेल्ट आउट व्हाट स्वराज मेंट फॉर द मासेस, के स्वराज का मतलब जनता के लिए है क्या। इन ऑर्डर टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस, जनता का शोषण खत्म करने के लिए, यहां पर गांधी जी का, कांग्रेस के लोगों का, वेरियस नेशनल लीडर्स का यह मानना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस। जो भारी भरकम मात्रा के अंदर हिंदुस्तान की जनसंख्या, जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता, जो कि भुखमरी का शिकार है, गरीबी का शिकार है, रोटी कपड़े मकान के लिए मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को और समाज में हैव्स एंड हैव नॉट्स के फर्क को खत्म करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना जरूरी है। आगे चलकर श्रीराम ये वाली चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, अंबेडकर जी ने भी ये वाली चीज बोली, और हमने जब अपना खुद का संविधान बनाया था उसके अंदर हमने ये चीज लिखी थी कि फ्रीडम का मतलब बेसिकली होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वही एक तरीके से फ्रीडम वही है ना। अब फ्रीडम ऐसा तो है नहीं कि कहीं हम अलग से लेने जाएंगे, वो तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के अंदर रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो शायद इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर सच थिंग्स टू द मासेस, राइट। अब दो रेजोल्यूशन जो हैं वो यहां पर अडॉप्ट करेंगे। एक रेजोल्यूशन आया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, देख रहे हो जरा, पहली बार कोई रेजोल्यूशन आ रहा है फंडामेंटल राइट के ऊपर, एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, भारत में अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे और लोगों को उनके मौलिक अधिकार कैसे मिलेंगे। जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट के ऊपर उसने उस जमाने के अंदर क्या गारंटी करा, जरा थोड़ा सा इसको ना मैच करके देखते हैं कि आज के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें गिवन है कि नहीं है, या फिर कांग्रेस ने कुछ अलग चीजें बोली, ठीक है आप मुझे बताना। फ्रीडम और फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, बताओ है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू असेंबल, इसके आगे वैसे क्या ऐड करा गया है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट विदाउट आर्म्स। अब हाँ है ना, आप हथियार लेकर खड़े नहीं हो सकते, और उस जगह पर खड़े नहीं हो सकते जहां पर धारा 144 लगी हो, आप जानते हो ना धारा 144 कभी कभार लग जाती है आईपीसी की, कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर वगैरह ये फरमान जारी करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है एक साथ खड़े नहीं हो सकते एक पब्लिक प्लेस में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल है ना गौरव, हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या ये है, हमने शुरू से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो स्कोप है, जो उसका एम्बिट है, जो उसका दायरा है, क्या उसके अंदर वेमेन राइट की बात कर रखी थी, वेमेन वोटिंग राइट्स की बात कर रखी थी क्या शुरू से, या फिर इसको बाद में ऐड करा गया, पहले से ही करी हुई थी। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू डू सो, राइट। इक्वल इक्वल लीगल राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड सेक्स, ये चीज है आज के समय में इंक्लूडेड, बताओ। इक्वल लीगल राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड सेक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी के दायरे के अंदर ये आता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद न्यूट्रैलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, ऐसा है, ऐसा है, हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है। देखो न्यूट्रैलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, मैं इसको कौन सा प्रिंसिपल कहूंगा, ये क्या होता है, सेक्युलरिज्म। लेकिन हम जानते हैं शाइनी कि हमारे देश के अंदर हमने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं रखा हुआ है,
हमने ये बोला हुआ है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तब तक रहेगा जब तक रिलीजन किसी के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए रीजन नहीं बनता, इट डज नॉट बिकम अ कॉज एंड प्रोमिनेंट रीजन फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट? जब श्रेया धर्म जो है लोगों के अधिकारों को, बेसिक मानव अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को छेड़ने लग जाएगा, तब स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है। इसलिए हम लोग हमारे देश में कंप्लीट सेपरेशन नहीं कहते हैं स्टेट को फ्रॉम रिलीजन, बट हम लोग क्या कहते हैं, देयर शुड बी अ वन आर्म डिस्टेंस, राइट? तब तक स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा जब तक रिलीजन जो है वो ह्यूमन राइट वॉलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। अब देखो जैसे ये सिस्टम है सती प्रथा, क्या इसको हम रिलीजन का नाम दे सकते हैं? रिलीजन एम्बेड के अंदर ही आता है लोगों के हिसाब से, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट के हिसाब से बिल्कुल आता है। देवदासी सिस्टम बिल्कुल आता है, इंसानों की बलि देना, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करना बिल्कुल आता है। लेकिन क्या ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स के फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है? बताओ, अगेंस्ट में है ना। तो हम क्या रिलीजियस स्फीयर की बातें, ऐसी बातें लाइक सती प्रथा, देवदासी सिस्टम, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, क्या हम इसको रिलीजियस डोमेन का पार्ट बनाकर ही छोड़ दें, कोई इंटरफेरेंस ना दिखाएं? बिल्कुल दिखानी चाहिए इंटरफेरेंस, राइट? ठीक है। उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, एक चीज देख रहे हो यहां पर श्रेया शाइनी, बात ऐसी है कि ये जो कांग्रेस जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहा है यहां पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यहां पर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की बात करी जा रही है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आगे चलकर फंडामेंटल राइट बना। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले डीपीएसपी था। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, क्या ये भी फंडामेंटल राइट आज भी है? बिल्कुल ही आज है। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इंक्लूडेड सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। जो रेंट की वजह से छोटे और मझले किसानों पर, पीजेंट्स पर जो एक इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है उसको खत्म करना, एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट फॉर अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, अगर कोई भी ऐसी जमीन है, इस लाइन का मतलब है, अगर कोई भी ऐसी जमीन है जहां से कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कोई भी किसी से जो रेंट है वो चार्ज नहीं कर सकता। वहां पर पर्सन अगर टेनेंट है मान लो, लेकिन वो टेनेंट किसी भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और सिर्फ वो वहां पर रुक रहा है जमीन पर, तो वहां पर रेंट जो है एग्रीकल्चर लैंड से जो आया हुआ जो रेंट है उसको हमें एग्जेम्प्ट करना होगा। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे कौन कौन से जमीन के टुकड़े हैं जहां पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, और कहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं और फिर भी कुछ कुछ लोगों से जबरदस्ती रेंट वसूला जाता है। अब ये वाला पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका हिंट था, इसका लिंक था विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडेटनेस, कंट्रोल ऑफ यूजरी, व्हाट इज यूजरी, क्या होता है इसका मतलब, इसका डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको पहले दिखाता हूं, कोई बात नहीं, सुना तो होगा आपने टर्म, द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट अनरीजनेबली वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब यहां पर कभी कभार क्या होता है, आप कभी कभार जब किसी बड़े जमींदार से अगर आप लोन लेते हो तो आपको अपना कोलेट्रल भी रखना पड़ता है। अब इस जमाने के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग अपना लोन लेने के लिए नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करने के लिए किसको रखेंगे श्रेया शाइनी कोलेट्रल? उसी जमीन को जिस जमीन पर ये खेती बाड़ी करना चाहते हैं। और आप फिर जानते हो इनके अनपढ़ होने की वजह से फायदा इनका क्या उठाया जाता था, उसके आगे दो जीरो लगा दिए गए या फिर इंटरेस्ट रेट इतना हाई चार्ज करा गया कि ये दे ही ना पाए उतना, है ना, और वो जमीन जो है फिर वो रिच लैंडलॉर्ड जमींदार की होकर रह जाए। बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग अ लिविंग वेज, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर,
राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू नहीं है ये, राइट राइट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियंस एंड स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट यहां तक? हम आगे बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। सबसे पहले हमारे सामने है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अलग अलग करके अब मैं कवर करवाता हूं इसको, ठीक है शाइनी। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ना लंदन में ऑर्गेनाइज करा गया था बिटवीन नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा था, अभी सिर्फ जो एक पैक्ट साइन हुआ था वो इंडिया के अंदर साइन हुआ था, किसके और किसके बीच में? गांधी एंड लॉर्ड अर्विन, ठीक है, गांधी अर्विन पैक्ट जिसको बोला जाता था। नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है। इट वॉज चेयर्ड बाय रैमसे मैकडॉनल्ड। ये ऐसी किसी भी प्रकार की पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस एज इक्वल। एज इक्वल मतलब अगर 50% से अगर इंडियंस की है इस कॉन्फ्रेंस के, ब्रिटिशर्स की है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो 50% से इंडियंस की भी है। आउटकम क्या निकल कर आया? द आउटकम वॉज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नेसेसरी इन एनी डिस्कशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। आगे चलकर अगर भारत में, भारत के लिए, इंडिया में, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए अगर कोई हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है तो उसके अंदर INC का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है डिसाइड करने के लिए कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। तो पार्टिसिपेंट्स कौन थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर? प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, उन्होंने अटेंड करा था इसको। द कांग्रेस एंड सम प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स रिफ्यूज टू अटेंड इट। अब समझ गए ये क्यों कह रहे हैं अंग्रेज ऐसा? उनका ये मानना था, वो अभी तक देख रहे थे, देखो सबको ये पता था ना अभी इंडिया के लिए जो डिसीजन कोई भी ले सकता है वो बेस्ट टू बेस्ट पार्टी, जो सबसे रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है, राइट। अगर हम किसी भी समझौते पर एग्री कर जाएं जिसमें कांग्रेस ना हो तो फिर अल्टीमेटली बात वही है, एक फ्रूटफुल डिस्कशन, एक फ्रूटफुल आउटकम निकल कर नहीं आएगा उस डिस्कशन का। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकलता जो कि ऑर्गेनाइज होती है लंदन में बिटवीन नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931। इट वॉज चेयर्ड बाय रैमसे मैकडॉनल्ड। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कोई पार्टिसिपेट नहीं करा इसके अंदर, और अंग्रेजों का भी यह मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है अगर फ्यूचर इंडिया के लिए एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर लेकर आनी है तो कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के साथ बैठकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ में आया श्रेया, गौरव, शाइनी? दूसरे पे आता हूं, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में आयोजित करी गई फ्रॉम सितंबर 7, 1931 टू दिसंबर 1, 1931, ठीक है यार। ये सारी डेट्स ना इंपॉर्टेंट है, ये श्रेया, शाइनी छोटे मोटे इवेंट्स नहीं है, बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि एग्जैक्ट डेट सर यहां पर याद रखनी है क्या? बिल्कुल रखनी है, नो कॉम्प्रोमाइज, ओके। इस टाइम पर पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर चेयरमैन कौन थे? रैमसे मैकडॉनल्ड। यहां पर कौन है? ये देख लो, रैमसे मैकडॉनल्ड। यहां पर कौन है? लॉर्ड विलिंगटन, ही वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट टाइम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम करा दैट कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, द कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ
ऑल ऑफ इंडिया ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये इश्यूज थे इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर. द सेशन गॉट डेडलॉक्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज. आपको नहीं लग रहा कि अंग्रेज जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बिल्कुल अपना ऐसा रवैया अपनाए हुए हैं जैसे वो बिन पैंदे का लूटा हूं. यहां पर श्रेया पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं आए इसलिए इसका कोई आउटकम नहीं निकल कर आ सकता, कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर शाइनी छूटते ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सिर्फ होने से क्या होता है, कांग्रेस पूरा इंडिया थोड़ी ना है, वो सारे इंटरेस्ट के जो सारे ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं, सारे कम्युनिटीज जो हैं उनको थोड़ी ना रिप्रेजेंट करता है. और यहां पर माइनॉरिटीज के क्वेश्चन की वजह से एक डेडलॉक क्रिएट हो गया. मुस्लिम्स, डिप्रेस क्लासेस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है, हमारे लिए इलेक्शंस के लिए कुछ ऐसी सीटें निर्धारित करी जाएं जहां से अगर हमारी कम्युनिटी, हमारी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग खड़े होते हैं तो उनको कौन वोट करेगा, अगर क्रिश्चियंस खड़े हो रहे हैं तो उनको कौन वोट करेगा, क्रिश्चियंस ही करेंगे. एंड ऑल दीज केम टूगेदर इन अ माइनॉरिटीज पैट. इन्होंने, माइनॉरिटीज ने अपना खुद का एक पैट जो है वो सौंपा अंग्रेजों को. क्या बोला गया उसे, माइनॉरिटीज पैट, कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला, बड़े सारे जो डेलीगेट ग्रुप्स थे अलग अलग जो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने आए थे यहां पर, देयर वॉज अ लैक ऑफ एग्रीमेंट अगेन अमंग्स द वेरियस डेलीगेट ग्रुप्स विच मेंट दैट नो सब्सटेंशियल रिजल्ट्स रिगार्डिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर वुड कम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस. एंड द सेशन एंडेड विद मैकडोनल्ड्स अनाउंसमेंट. रैमसे मैकडोनल्ड जो अभी आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो देखने को मिले थे, इन्होंने अनाउंस करा टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस कि भारत के अंदर ये जो दो प्रोविंसेस हैं मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और दूसरा सिंध. इन्होंने बोला एक कमेटी सेटअप करी जाएगी जिसका नाम होगा इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी. इसके अलावा इन्होंने बोला तीन एक्सपर्ट कमेटी भी सेटअप करी जाएंगी. एक का मुद्दा होगा फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, दूसरा यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज, तीसरा स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस. एंड इसमें रैमसे मैकडोनल्ड ने एक बात और एक बात की तरफ और इशारा करा डैट देयर विल बी अ प्रोस्पेक्ट, देयर कैन बी अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री. अगर हिंदुस्तानियों में आपसी समझौता होकर हमें कोई ऐसी स्कीम नहीं बताई जाती है कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या लोग अपनी कैसे चाहते हैं, तो हम यूनिलेटरल तरीके से बिना किसी भी इंडियन ग्रुप को, डेलीगेट को, पार्टीज को लाइक कांग्रेस को बिठाए हुए हम अपना एक कम्युनल अवार्ड यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह जैसी कोई डिमांड है इसको मान लेंगे अगर इंडियंस फेल करते हैं एग्री कर, मतलब हमसे, हमारे साथ समझौता ना करने के लिए या फिर बातचीत ना करने के लिए. द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीडर द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम. जो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी फ्रीडम ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बेसिक चीज तो उन्होंने मानी नहीं. कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड गेव अ कॉल टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. गांधी जी खफा हो गए इस बात से और उन्होंने बोला लेट्स रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्योंकि अंग्रेज जो है वो हमारी बातें नहीं मान रहे. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी को रिप्रेजेंट करा था, नॉमिनेट करा था सॉरी, एज इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव. ए रंगस्वामी अयंगर, नाम है इन पर्सन का, ए रंगस्वामी अयंगर, और दूसरे मदन मोहन मालविया, देवर ऑल्सो देयर. मुस्लिम जो है देवर रिप्रेजेंटेड बाय, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, मुस्लिम जो थे यहां पर देवर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान थ्री, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ए के
फजलुल हक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफी शफी, मोहम्मद जफरुल्ला खान, सैयद अली इमाम, मौलवी मोहम्मद शफी दौदी, राजा शेर मोहम्मद खान ऑफ दोमेली, A.H. गजनवी, हाफिज हिदायत हुसैन, सैयद मोहम्मद पातशाह, साहिब बहादुर, डॉक्टर शफात अहमद खान, जमाल मोहम्मद एंड नवाब साहिबजादा सैयद मोहम्मद मेहर शाह। ये सारे के सारे जो लोग थे ये मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ए रंगस्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी थे। और गांधी जी को नॉमिनेट करा गया था कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस की वॉइस को आप रिप्रेजेंट करोगे पूरी कांग्रेस को इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अगर हम लोग हिंदू ग्रुप्स की बात करें, देवर रिप्रेजेंटेड बाय M.R. जयकर, B.S. मुंजी एंड दीवान बहादुर राजा नरेंद्रनाथ। लिबरल्स जो थे देवर रिप्रेजेंटेड बाय J.N. बासु, C.Y. चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, चिमन लाल हरीलाल सिटलवट। जस्टिस पार्टी सेंट राजा ऑफ बोबिली आरकोट, रामास्वामी मुदलैयर, सर A.P. पात्रो एंड भास्कर राव, विठोजी राव जाधव। डिप्रेस क्लासेस वर रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर एंड रेता मलाई श्रीनिवासन। द सिख्स वर रिप्रेजेंटेड बाय सरदार उज्जल सिंह एंड सरदार संपूर्ण सिंह। पारसीज रिप्रेजेंट करे जा रहे थे तीन लीडर्स के द्वारा, कोवाजी जहांगीर, होमी मोदी एंड फिरोजी सेथा सेठना। इंडियन क्रिश्चियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय सुरेंद्र कुमार दत्ता एंड A.T. पनीर सेल्वम। इंडस्ट्री बॉडी जो थी इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय घनश्याम दास बिरला, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड मानिक जी दादा भॉय। लेबर ग्रुप वॉज रिप्रेजेंटेड बाय N.M. जोशी, B. शिवराव, V.V. गिरी। V.V. गिरी आपको पता ना आगे चलकर क्या बनते हैं लेटर इंडिया में? क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट भी तो बनते हैं, नहीं? इंदिरा गांधी जी इनके सपोर्ट में थी प्रेसिडेंट एंड ही वाज वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट आल्सो। इंडियन वेमेन पर रिप्रेजेंटेड बाय सरोजनी नायडू, बेगम, जहानारा, शाहनवाज एंड राधा भाई सुबहरारायण। यूनिवर्सिटी ग्रुप वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सैयद सुल्तान अहमद, विशेश्वर दयाल सेठ एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बर्मा एंड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड NWFP दे ऑल्सो अटेंडेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय C.P. रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ एंड M. रामचंद्र राव। आपको पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि इतने सारे नाम, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स किसी एक जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि बात यहां पर श्रेया है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया की। कोई अपना जो हित है, अपना जो मत है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो सामने क्यों नहीं रखेगा, राइट? वो नहीं चाहता ना कि अगर कल को कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम बनाई जा रही है तो उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करा जाए। मुसलमान चाहेंगे क्या? हिंदू ग्रुप चाहेंगे? लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, डिप्रेस क्लासेस, सरदार, पारसी, क्रिश्चियन, इंडस्ट्री ग्रुप, लेबर क्लासेस, औरतें, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग प्रोविंसेस लाइक बर्मा, सिंध, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये चाहेंगे कि इनके इंटरेस्ट को हल्का सा भी नजरअंदाज करा जाए? बिल्कुल नहीं। फिर बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है बिटवीन नवंबर 17, 1932 एंड दिसंबर 24, 1932। आउटकम क्या हुआ? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी अ सेटबैक एज नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस वॉज डिस्कस्ड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड महाराजा। तो पार्टिसिपेंट्स कौन थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट।
इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज पार्टिसिपेंट एंड द लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट. इंडियन स्टेट जो थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाय अकबर हैदरी, ही वॉज अ दीवान ऑफ हैदराबाद, मिर्जा इस्माइल, ही वॉज दीवान ऑफ मैसूर, वी टी कृष्णवाचारी दीवान ऑफ बरोडा, वजाहत हुसैन जम्मू एंड कश्मीर से, सर सुखदेव प्रसाद उदयपुर जयपुर जोधपुर से, जे ए सुरवे कोल्हापुर से, राजा औध नारायण बिसरिया भोपाल से, मनुभाई मेहता बीकानेर से. ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? आगा खान थ्री, बी आर अम्बेडकर, रामकृष्णा रंगाराव ऑफ बोबिली, सर हर्बर्ट कार, नानक चंद पंडित, ए एच गजनवी, हेनरी गिडनी, हाफिज हिदायत हुसैन, मोहम्मद इकबाल एंड एम आर जयकर. यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी फ्रूटफुल नतीजा निकला क्या? बताओ, किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई फ्रूटफुल नतीजा निकला जो कि पैसिफाई कर सके कांग्रेस को एज वेल एज सेटिस्फाई कर सके अंग्रेजों को? बिल्कुल नहीं. अब गांधी जी ने क्या बोला था? अंग्रेज हमारी बात मान नहीं रहे तो हम इंडिया चलकर, मतलब हिंदुस्तानियों से क्या दरख्वास्त करी थी? ये तो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कहां हो रही थी? लंदन में हो रही थी ना, इंग्लैंड में हो रही थी ये तो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस. उन्होंने इंडिया चलकर मार्क्सिस्ट से क्या दरख्वास्त करी थी, क्या रिक्वेस्ट करी थी? लेट्स रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तब तक के लिए वो शांत हो गए थे ना इनके साथ बातचीत करने के लिए. तो देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गॉट रिज्यूम. तो ऑन द फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड ऑन दिसंबर 29, 1931 के वो रिज्यूम करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आफ्टर कांग्रेस वर्किंग कमेटी. देखो, आपको पता ना कि अगर हमें ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं अलग अलग प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की जो ब्रांचेस काम कर रही हैं, अगर हमें एक कॉमन रूप से हर जगह पर एक कॉमन चीज़ चलानी है, एक प्रोग्राम चलाना है, एक आंदोलन कोई भी चलाना है, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दी जाती थी. राइट? हाँ या ना? और उसके बाद एक कॉमन प्लान, एक वो क्या कहते हैं, कॉमन प्लान ऑफ एक्शन वो जारी करेंगे जिसको वो देश के अलग अलग कांग्रेस वालों में वो बांटेंगे, कमिटीज में बांटेंगे, और उसके बाद फिर ये चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी कॉमन तरीके से, ताकि कांग्रेस का जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, वो पूरे नेशनल लेवल पर एक कॉमन तरीके से दिखे. ठीक है? तो ऑन द फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड ऑन दिसंबर 29, 1931 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करा जाए. आफ्टर कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वाइसराय जो उस टाइम के इंडिया के थे लॉर्ड बिलिंगडन, ही रिफ्यूज द मीटिंग विद गांधी जी ऑन दिसंबर 31. 4 जनवरी 1932 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड. क्यों? कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर रहे हैं, पब्लिक पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. चेंज गवर्नमेंट एटीट्यूड आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सरकार का रवैया कैसे चेंज हुआ? देयर वर थ्री मेन कंसिडरेशंस इन ब्रिटिश पॉलिसी. क्या? गांधी जी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर मास मूवमेंट अगेन. कैसे भी करके गांधी को पकड़ा जाए, गांधी के इरादों पर पाबंदी लगाई जाए, ये दोबारा एक मास मूवमेंट, एक मास आंदोलन क्रिएट ना कर सके, दोबारा से जनता के अंदर वो जोश, वो जागरूकता ना ला सके कि दोबारा वो जाकर आजादी की डिमांड करने लगे गांधी जी के कहने पर. उसके बाद द गुडविल ऑफ द कांग्रेस वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट द कॉन्फिडेंस ऑफ दोज हु सपोर्टेड द ब्रिटिश अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट फंक्शनरीज लॉयलिस्ट एक्सेट्रा वॉज वेरी इसेंशियल. सरकार को यह लगा कि हम सबसे पहले ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ हैं और हमारी बातों में आसानी से आ जाते हैं. सरकारी कर्मचारी जो हमारी लॉयल हैं, वो ग्रुप, लाइक यहां पर इनका इशारा साफ तरीके से मुस्लिम लीग की तरफ भी था. अब मुस्लिम लीग क्या प्रो कांग्रेस कैसे भी करके रह गई थी क्या? और अगर मुस्लिम लीग के डिमांड्स को अगर अंग्रेज मान ले तो क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे या फिर अंग्रेजों की साइड चले जाएंगे? बताओ.
अंग्रेजों की साइड डेफिनेटली. द नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इन द रूरल एरियाज. इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने देखा था ना, ग्रासरूट लेवल पर काफी ज्यादा फेमस हुई थी. बहुत सारे लीडर्स जो हैं ग्रासरूट लेवल से इमर्ज हो रहे थे. नॉट ओनली लीडर्स लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था. अंग्रेजों की इस बारी कोशिश यही थी कि मूवमेंट को पहले जैसा जो है हम लोग होने ही ना दें. गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहा. सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंसेस वर इशूड विच अशर्ड इन अ वर्चुअल मार्शल लॉ. सरकार बड़े सारे ऑर्डिनेंसेस देकर आती है जो कि एक तरीके से मार्शल लॉ की तरह लग रहे थे, मिलिट्री रूल की तरह, मिलिट्री लॉ की तरह. कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल पार्टी बाय वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन. वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी सारे लेवल पर देवर बैंड. ऑल लेवल का मतलब सेंट्रलाइज लेवल पर तो कर ही दिया गया इलीगल डिक्लेयर, प्रोवेंशियल लेवल पर भी और ग्रासरूट लेवल पर भी अरेस्ट करा गया सारे एक्टिविस्ट को, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट को, लीडर्स को, सिंपथाइजर्स को. उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो कन्फिस्केट कर ली गई, वो छीन ली गई. गांधी आश्रम्स देवर ऑक्यूपाइड, देवर ऑल्सो लॉग्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट पेड नो हीड टू द दिल्ली पैक्ट, जो कि दिल्ली मैनिफेस्टो जो था या फिर गांधी अवेंट जो पैक्ट साइन हुआ था, सरकार बिल्कुल भूल गई उन सब बातों को, उन सब बातचीत को. एंड स्टार्टेड ब्रीचिंग द पैक्ट ऑन वेरियस ओकेजन्स. याद है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये करी गई थी गांधी जी की 11 जो डिमांड थी कि हम कैसे ना कैसे करके जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, है ना. अब छोड़ने की बात तो छोड़ो, अरेस्ट करने की बात चल रही है यहां पर. पीपल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट, पीपल रिस्पॉन्डेड विद एंगर. दो अनप्रिपेयर्ड द रिस्पॉन्स वॉज मैसिव. रफली 80,000 सत्याग्रही जो थे उनको जेल हुई. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट लाइक पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, सेलिंग लिकर एंड फॉरेन क्लोथ, इलीगल गैदरिंग, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस एंड सेलिब्रेशंस ऑफ नेशनल डेज वर ऑब्जर्व. जैसा कि एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डे मनाया जा चुका था, कब, 1930 में, है ना, 1930 में. सिंबॉलिक होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, सॉल्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट लॉ वायलेशंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ सीक्रेट रेडियो ट्रांसमीटर नियर बॉम्बे. दिस वॉज ऑब्जर्व बाय द मासेस. ये मासेस के रिस्पॉन्स एक्शन, ये मतलब जनता की तरफ से रिस्पॉन्स एक्शन है ये. सेकेंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसाइडेड विद द अपसर्जेस इन टू प्रिंसली स्टेट्स, कश्मीर एंड अलवर. वेयर इज अलवर? राजस्थान. तो हम क्या कह सकते हैं, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसा था ना, यहां पर देखो शानी, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लहर ऐसे बढ़ी, थोड़े टाइम के लिए शांत हुआ कि अंग्रेजों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने नहीं माना, दोबारा से सेकेंड फेज ये स्टार्ट हो गया. यहां से लेकर ये यहां तक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फेज. ये था एक पीस टॉक वाला फेज, लेकिन जब वो नहीं माने तो ये इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया और ये था इसका फर्स्ट फेज. ऐसी चली ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो हम क्या कह सकते हैं, द सेकेंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं करी जा सकी, बिकॉज गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे इनके पास कोई टाइम ही नहीं था टू बिल्ड अप द टेम्पो इन द मासेस वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. क्यों टाइम नहीं था, अरेस्ट कर लिया गया, अंग्रेजों ने इतना टाइम दिया ही नहीं इनको. फाइनली अप्रैल 1934 में गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मासेस अपना उत्साह ना खो दें और आगे चलकर किसी आंदोलन का पार्ट बने ही ना, इससे बेटर ये है कि गांधी जी ने सेकेंड जो ये फेज है इसको भी इमीडिएटली मतलब काइंड ऑफ ये स्टार्ट ही कहाँ हो पाया अच्छे से बताओ, इसको पहले ही विड्रॉ कर लिया. मासेस यहाँ पर हल्का फुल्का देखो ये सब कुछ तो कर रहे हैं, पीपल रिस्पॉन्डेड विद एंगर, ठीक है, सत्याग्रही उसको जो जेल हो गई, 80,000 सत्याग्रही जो सत्याग्रह जो लोग थे सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे सत्याग्रही उनको जेल हो गई, है ना. देयर वॉज पिकेटिंग ऑफ शॉप, सेलिंग लिकर, फॉरेन क्लोथ, इलीगल गैदरिंग, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन इन सबसे फिर क्या ही होगा. और याद है आपको ये जो लॉर्ड वेलिंगटन है इसने भी एक प्रॉमिस करा था, इसने ये बोला था कि यहां पर एक बात थी ना इसकी, ये जो है ये कम्युनल अवार्ड दे देगा,
है ना, अगर कांग्रेस वाले या सारे जो इंडियंस हैं अगर इसकी बात को नहीं मानते तो यूनिलेटरल तरीके से ये कम्युनल अवार्ड जो है वो सुना देगा। ठीक है, ये देखो, द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू एग्री, इसने ये बोला था। देखो, द सेशन एंडेड विद मैकडोनल्ड्स अनाउंसमेंट ऑफ, तो सेकेंड राउंड टेबल कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड की तो कोई बात करनी नहीं चाहिए हमें, जो कि ऑर्गेनाइज होती है नवंबर 17 नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 24 1932 तक। सेकेंड वाली को अगर आप देख लो वो खुद दिसंबर 1 1931 तक चली, लेकिन ये अगले साल वाली जो हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका कोई इंपैक्ट निकला ही नहीं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी अ सेटबैक एज नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस वाज डिस्कस्ड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड महाराजा। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करने इंडियंस आ भी रहे हैं तो ये कभी ही कह रहे कि कांग्रेस वाले नहीं, कभी कांग्रेस वाले आ रहे तो कह रहे दूसरे ग्रुप्स नहीं है, कभी सारे ग्रुप्स आ रहे तो कह रहे फिर कोई राजा महाराजा नहीं है उसके अंदर बात करने के लिए। कुल मिलाकर ये साफ तरीके से हमसे कह नहीं पा रहे कि हमने तुम्हें पागल बनाने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है, हम तुम्हें लिबर्टी राइट्स ये सब नहीं दे सकते, राइट। आगे चलकर हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।